शेफ रुबीना, क्या हाल है सबका। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू, मटर और अंडे, शोरबे वाले आलू मटर अंडे। उसके लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम आलू लिए हैं और 1 किलो मैंने मटर लिए हैं और उनको छील लिया है। छील के मटर ऐसे निकल आते हैं, ठीक है ना। ये तकरीबन 1.5 पाव के करीब है। 3 अंदर अंडे लिए हैं और इनको बॉईल कर लिया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने डाला है तकरीबन 1/4 कप, 1 कप से थोड़ा सा कम। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। पैन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। एक दरमियाने साइज का प्याज लिया है, वो मैं ऐड कर रही हूँ। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ ही साथ इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम। साथ ही साथ हम एक दरमियाने साइज का टमाटर ऐड करेंगे। इसको बारीक बारीक मैश कर लिया हुआ है। चलें ये शामिल करते हैं। पहले टमाटर ऐड करती हूँ, उसके बाद थे मसाले। अब इन तमाम चीजों को अच्छी तरह भून लेंगे। जी व्यूअर्स, मसाला हमारा अच्छी तरह भून चुका हुआ है और घी आ चुका हुआ है ऊपर। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर हमारे अच्छी तरह भुन रही है। एक दो मिनट और तक और भुनाई करेंगे मटरों के साथ ही इसकी, मसाले की। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मुझे लाइक जरूर करें। बहुत ही आसान तरीके से मैं रेसिपी बना रही हूँ, इसमें कोई ऐसे मुश्किल डिफिकल्ट किस्म के मसाले मैं ऐड नहीं कर रही। सिर्फ सिंपल मसाले मैंने ऐड किए ताकि आपको बनाने में आसानी हो। अब मैं इसमें ऐड करूंगी आलू। मसाला हमारा अच्छी तरह भुन चुका है, आलू भी और मटर भी अच्छी तरह भुन चुका है।
चुके हैं, अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये देखें व्यूअर्स, ये एक ग्लास पानी ये ऐड कर रही हूँ। जब तक आलू और मटर गल नहीं जाते। आलू मटर हमारे गल चुके हुए हैं, ये पक चुके हुए आलू मटर हमारे। अब हम इसमें अंडे ऐड करेंगे। साथ ही साथ हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। हरा धनिया धोकर अच्छी तरह मैंने ये ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह धो लिया हुआ था। आधा चम्मच से कम मैं गरम मसाला ऐड करूंगी। देखिए आलू मटर हमारे कितने अच्छे पक चुके हुए हैं। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। चले व्यूअर सर्व करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। दिखाने के लिए कैसे ये गल चुका हुआ है अंडा हमारा, पक चुका हुआ अच्छी तरह। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही आलू मटर गोश्त बनाना है। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपने आंखें बंद करके ये बना लेनी वीडियो, इतनी अच्छी है। ये घर के मसाले ऐड किए हुए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे भी कुछ अच्छी वीडियो देखने चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का ध्यान रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।